कैसी है रूही आप? बस मैं ठीक हूँ। आपने कहीं रूही बानो को देखा वैसे? जी रूही बानो को? वो कौन है? नहीं आपने कभी नहीं देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, अभी कुछ दिनों से कहीं खो गई हैं वो। कुछ मैंने बहुत तलाश करने की कोशिश की लेकिन कहानी की तलाश की वजह से भी नहीं मिल सकी। कुछ पता कहाँ गई? ये तो डॉक्टर अनवर सज्जाद से पूछे। डॉक्टर अनवर सज्जाद से पूछे, वैसे आपकी जानने वाली है क्या? मेरी कुछ कुछ जानने वाली है। वैसे दूर की जानने वाली तो नहीं? नहीं बहुत करीब की जानने वाली है। रूही हम अब आप सबको आपको इतना मिस करते हैं कि हम आपको बता भी नहीं सकते। यकीनन आपको भी दूर बैठकर रूही बानो की याद बहुत आती होगी। आप बहुत दिनों से पीटीवी के ड्रामे से दूर हैं लेकिन इन लोगों के दिलों से आप बिल्कुल दूर नहीं हैं। आपको इसका अंदाजा है? जी हाँ है, क्यों नहीं है। वो इसलिए कि मीडिया जो होता है वो कभी भी उसका मीडिया का जो एक अपना एक लाइफ होती है वो कभी खत्म नहीं होती, चार्म खत्म नहीं होता। मीडिया जो है इट कंटिन्यूज इफ यू वांट टू, अगर आप में उसकी ख्वाहिश है, उसकी एक आप में क्या कहना चाहिए, हिम्मत है कि आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं मीडिया को, तो आप मीडिया को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आजकल आपकी क्या मसरूफियत है? जी मेरी यही मसरूफियत है कि मैं मीडिया पे सोचती हूँ। और आप बताए थे ना कि आप लिखती भी हैं कुछ कभी कभी? जी मैं लिखती हूँ, जब मुझे कुछ नई सोच जहन में आती है तो मैं लिख लेती हूँ। ये सब चीजें तो हैं लेकिन आपको पता है कि खुदा का एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपको दिया गया है। आपके अंदर अदाकारी आपके खून में और आपके आपके सिस्टम में शामिल थी। मुझे नहीं लगता आप कभी जान के एक्टिंग करती थी। जी अपना अपना एक स्टाइल होता है, आपका अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, आबिद अली का अपना स्टाइल है, मोहम्मद कवी खान का अपना स्टाइल है, अमजद इस्लाम अमजद का अपना स्टाइल है लिखने का, और डॉक्टर अनवर सज्जाद का अपना स्टाइल है लिखने का। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जो हम एक लाइन में खड़े नहीं हो सकते। लेकिन आप सबसे आगे खड़ी हैं अब तक, ये मैं आपको बता रही हूँ, आपको शायद पता है या नहीं पता। और दूसरे कि आपने अपने साथियों का नाम लिया, आबिद अली साहब का लिया, जैसे फिरदौस के साथ भी आपने बहुत खेल किए हैं, कवि साहब के साथ बहुत किए हैं, आप इन सब से मिलती जुलती हैं या बहुत बहुत दिनों मुलाकात नहीं होती, क्या कैसा लगता है? जी बहुत बहुत दिनों मुलाकात नहीं होती लेकिन ऐसा लगता है कि हम हमारे जो सफर है, हमारा जो सफर है फन का सफर जो है वो, उसमें हम सब इकट्ठे ही हैं। वैसे हम नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। आप लोगों को अंदाजा होगा जाहिर है, जो लोग रूही को जानते हैं, जिन्होंने इनके साथ काम किया है, कि किस मिजाज की और किस तरह की, कितनी सेंसिटिव एक्ट्रेस ये हैं। मैं पर्सनली समझती हूँ, मेरा जी ये चाहता है कि इस तरह के खूबसूरत फनकारों को किसी कांच के शीशे वाले घर में रख लिया जाए, उसकी बहुत टेक केयर की जाए, उसे बहुत नजाकत से, बहुत प्यार से, बहुत संभाल के रखा जाए, क्योंकि